सो अबाउट मी आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन बी एस सी नॉन मेडिकल फ्रॉम पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला एंड आई हैव वन प्लस ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस दैट्स ऑल अबाउट मी मूविंग ऑन सो अन अकेडमी जो है आप लोग जानते हो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है दुनिया का सबसे बड़ा इंडिया का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है तो आप इसके साथ जुड़ कर के बहुत सारा इससे फ़ायदा ले सकते हो या अच्छी पढ़ाई कर सकते हो क्योंकि अगर आप इससे जुड़ते हो तो आपको क्या क्या मिलता है एक तो डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं आप लाइव टेस्ट और क्विज़ में हाँ आज भी मेंटी होगा लेकिन पहले पढ़ाई और फिर मेंटी ठीक है डेली लाइव क्लासेस ले सकते हो लाइव टेस्ट और क्विज से अपने परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर सकते हो स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आपको मिलेंगे एग्जाम प्रिपरेशन के लिए अनलिमिटेड एक्सेस जिससे कि आप जब चाहो जैसे चाहो जितनी मर्जी बार चाहो सेशंस को देख सकते हो ठीक है तो लाइव क्लासेस होंगी टॉप एजुकेटर्स के साथ आप तैयारी करेंगे पढ़ाई करेंगे जिनको बहुत सालों का एक्सपीरियंस है कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस आपको मिलेगा आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से जाके उसके बाद गोल सेलेक्ट करना है एंड यू हैव टू क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन बहुत सारे सब्सक्रिप्शन प्लान होंगे लेकिन अगर आप ज़्यादा फ़ायदा लेना चाहते हैं या ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं तो ज़्यादा लंबे टाइम वाला कोर्स जैसे ट्वेल्व मंथ्स या ट्वेंटी फोर मंथ्स मतलब जो पूरे एक साल या दो साल चलेगा वो आप कोशिश कीजिए कि आप वो लें क्योंकि उससे आपको ज्यादा टेस्ट सीरीज मिलेगी या ज्यादा आपको आप फायदा मिलेगा डाउट्स पूछने को मिलेंगे तो आप मेरा कोड आंचल टेन यूज कर सकते हो टेन परसेंट तक के डिस्काउंट के लिए इसके अलावा आप हर रोज एक बजे वन पी मेरी स्पेशल क्लास आकर भी अटेंड कर सकते हो अन अकेडमी ऐप के ऊपर हाय दिव्याश्री हाँ आर यू और अगर आप नहीं चाहते कि कोई भी अपकमिंग नोटिफिकेशन आप मिस करो तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करिए ये लिंक टाइप कीजिए एंड क्लिक ऑन ज्वाइन हाय मदिहा हाउ आर यू हां जी आज मेंटी होगा आ, लेकिन पहले पढ़ाई एंड देन उसके बाद मेंटी होगा ठीक है हेलो दिव्याश्री हाँ जी रेनू मैंने बताया कि मेंटी है लेकिन पहले हम थोड़ा सा चैप्टर पढ़ेंगे और उसके बाद मेंटी करेंगे और फिर जो बचा हुआ पार्ट होगा वो हम कल करेंगे और फिर उसके बाद फिर मेंटी करेंगे ठीक है <laughs> दिव्याश्री पहले से बहुत बेटर है थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग हाय रिथान्या हाय रेनू हाय आसिया हाय शुभी गुड आफ्टरनून कैसे हैं आप सब लोग जल्दी जल्दी बताओ मैं तो ठीक हूं आप कैसे हैं क्या हाल है कोरोना में आप घर रह रहे हो या बाहर जाते हो क्या करते हो आजकल कैसे पढ़ाई मैनेज कर रहे हो जल्दी जल्दी बताओ आई एम ऑल्सो गुड थैंक यू ओके okay. अच्छा अगर अन अकेडमी ऐप से पढ़ाई अच्छी हो रही है हाँ आपकी अगर आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपकी और भी ज्यादा अच्छी हो जाएगी चलो अब आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो करना है लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स आ, एक साल होने को आया कोरोना का बट नेवर माइंड आप लोग बिना एग्जाम्स दिए प्रमोट भी तो हो गए या चिटिंग करके एग्जाम्स दे दिए है ना चलो अब हम क्या करते हैं हम आज हमने पढ़ना क्या क्या है ऑर्गेनिजम्स एंड द सराउंडिंग्स हैबिटेट एंड इट्स टाइप्स अडेप्टेशन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट हैबिटेट्स ये आप हमारे आज के टॉपिक्स हैं हाय रिथान्या हाउ आर यू तो अब हम एक छोटी सी स्टोरी पढ़ लेते हैं पहेली को समर वेकेशंस हुई उसके स्कूल में जैसे आपको होती है हाँ इसका मेंटी होगा So, उसने क्या डिसाइड किया कि इस बार वो बहुत सारी जगह पे घूमने जाएगी मतलब पूरा टाइम वो घूमती रहेगी कहाँ कहाँ गई वो राजस्थान गोवा दिल्ली ठीक है ऑन हर वे बैक टू होम जब वो सब सब जगह पे जाए वो अब राजस्थान एक ड्राई एरिया है डेजर्ट एरिया है गोवा एक कोस्टल एरिया है क्योंकि वहां पर बीच है और डेली एक प्लेन एरिया है, है ना तो जब वो वापस आ रही थी तो उस, उस वो बहुत खुश थी और उसने सोचा उसको उसने सोचा कि मैंने बहुत सारे डिशेस खाई बहुत सारी चीज़ों को देखा बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को देखा तो सब चीज़ें अलग अलग थी है ना जैसे डेजर्ट में कैक्टस था तो वो सोचने लग गई कि कैक्टस जो है गोवा में क्यों नहीं था है ना? या गोवा में बीच था तो बीच पे क्रैब्स होते हैं केकड़े होते हैं है ना तो वो क्रैब्स डेजर्ट में क्यों नहीं थे है ना तो वो ऐसा सोचने लग गई है ना तो उसके दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि सब जगह पे सारी चीजें जैसे ट्रीज ऑर्गेनिज़म्स हूँ अलग अलग होते हैं वो, वो सोच रही कि क्यों होते हैं क्या आप लोग बता सकते हो कि क्यों अलग अलग होते हैं क्या रीजन है क्या रीजन है? है कि सब जगह पे ऑर्गेनिज्म्स, ट्रीज या फिर जो भी चीजें होती है सब अलग अलग होती है सेम नहीं होती क्यों क्लाइमेट ठीक है और बिकॉज ऑफ डिफरेंट हैबिटेट्स वेरी गुड डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट एंड सराउंडिंग्स ओके हाँ ठीक है तो आप लोग हैबिटेट वर्ड यूज कर रहे हो तो हैबिटेट होता क्या है आप लोग यूज कर रहे हो तो आपको पता भी होगा कि हैबिटेट क्या होता है ना हैबिटेट क्या होता है प्लेस ओके okay. शी वेरी गुड वेरी गुड बहुत अच्छा तो हमने ऑब्जर्व किया कि अलग अलग जगह पे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं कुछ छोटे ऑर्गेनिजम्स कुछ बड़े कुछ चल सकते हैं कुछ उड़ सकते हैं कुछ तैर सकते हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे फिश जो है वाटर में रहती है बर्ड्स जो है वो ट्रीज के ऊपर रहते हैं स्नेक जो है रेप्टाइल है तो वो क्रॉल करता है, है ना तो जो सराउंडिंग्स जहाँ पे वो रहते हैं है ना वो उनका हैबिटेट होता है जैसे मैं एक घर में रहती हूँ या आप सब लोग जो है वो अपने अपने घर में रहते हो तो, तो दैट इज योर हैबिटेट हैबिटेट इज द प्लेस वेयर वी लिव है ना सही बोला चलो ये तो हो गया अब जो प्लांट्स और एनिमल्स वाटर में रहते हैं वाटर से वो सरा हमें पता है जो सी वाटर होता है जो भी प्लांट्स या जो भी एनिमल्स सी के अंदर होते हैं हमें पता है सी वाटर जो है सॉल्टी होता है है ना सॉल्टी या फिर सिलाइन ठीक है सॉल्टी या सिलाइन वाटर एंड सरवाइव बाय यूजिंग द एयर डिजॉल्ड इन वाटर अब हम ह्यूमन बींग्स हैं क्या हम वाटर के अंदर रह पाएंगे सांस ले पाएंगे पानी के अंदर बोलो क्यों क्यों नहीं ले सकते जब प्लांट्स और एनिमल्स जो है पानी के अंदर रह सकते हैं सी के अंदर तो हम क्यों नहीं रह सकते हाय प्रतिभा we हैव डिफरेंट adaptation वेरी गुड वेरी गुड ठीक है तो जो प्लांट्स या एनिमल्स सी के अंदर रहते हैं पानी के अंदर रहते हैं तो वो उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है जो ऑक्सीजन वाटर के अंदर डिजॉल्व होती है वो उसी को ही ब्रीथ करते हैं और उसी से ही वो सर्वाइव करते हैं एग्जांपल फिश अब जो एनिमल्स या जो प्लांट्स डेजर्ट में रहते हैं या लैंड पे रहते हैं वो आसपास की एयर जो है वो ब्रीद करते हैं जैसे ह्यूमन बींग्स है कैमल है डॉग है ये सारे डेजर्ट या फिर लैंड एनिमल्स हैं लैंड पे रहते हैं बिल्कुल सही अब कैमल जो है वो डेजर्ट में रहता है है ना अब कैमल डेजर्ट में क्यों रह पाता है क्योंकि इट हैज़ लॉन्ग लेग्स ठीक है सबसे पहले तो कैमल की लेग्स बहुत ज्यादा लॉन्ग बड़ी बड़ी होती हैं जिससे कि उनको डेजर्ट में चलने में बहुत आसानी होती है है ना बहुत इजीली वो चल पाते हैं डेजर्ट में ठीक है उसके अलावा जो कैमल है वो अपने ट्रंक में वाटर स्टोर करके रख लेता है ठीक है कैमल अपने ट्रंक में वाटर स्टोर करके ले, रख लेता है और वाटर को लूज़ नहीं करता बहुत कम पानी वो यूज़ करता है इसकी वजह से क्या होता है कि अगर उसको बहुत दिन पानी ना भी मिले तो भी वो सरवाइव कर जाता है ठीक है तो केमल्स जो है वाटर स्टोर कर लेते हैं और उसको यूज नहीं करते या लूज नहीं करते बहुत कम लूज करते हैं जिसकी वजह से अगर उनको बहुत ज्यादा दिन तक पानी ना भी मिले तो भी वो सर्वाइव कर सकते हैं ठीक है दे हैव थ्री आईलिड्स अब फिश का हमने पढ़ा कि वो वाटर में रहती है है ना वो कैसे सर्वाइव करती है क्योंकि हमने फिश का तो अभी पढ़ा है बॉडी मूवमेंट्स में कि वो अल्टरनेट लूप्स फॉर्म करती है ऑपोजिट साइड्स पे मूव करती है, है ना ए फ्रंट पार्ट अगर राइट right मूव कर रहा है तो बैक पार्ट लेफ्ट मूव करेगा ऑपोजिट साइड्स पे मूव करेंगे और वो ऐसे स्विम कर जाएगी है ना ऑल स्पीशीज ऑफ फिशेज हैव स्ट्रीम लाइंड बॉडी शेप अब हमें पता है कि जो पानी में फिश वगैरह रहती है उनकी जो बॉडी शेप होती है वो स्ट्रीम लाइंड बॉडी शेप होती है क्यों क्योंकि ये जो शेप होती है ये पानी को ईजिली साइड में करने में हेल्प करती है या पानी में ईजिली तैरने में हेल्प करती है अब पानी में तो फिश नहीं रहती ना बहुत ज्यादा सी आ, सी के अंदर तो बहुत ज्यादा ऑर्गेनिजम्स होते हैं एनिमल्स होते हैं क्या सबकी बॉडी शेप स्ट्रीमलाइंट होती है यस और नो हाय आस्था क्या उन सबकी बॉडी शेप स्ट्रीम होती है सबकी तो फिर वो कैसे सरवाइव कर जाते हैं हाय हाय ऑक्टोपस की जो बॉडी शेप होती है क्या वो स्ट्रीमलाइंड होती है यस आई नो यू वर इन यस्टडेज क्लास संजू ऑक्टोपस कैसे सर्वाइव करता है या जो ऑर्गेनिजम्स की स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप नहीं होती वो कैसे सरवाइव करते हैं पानी के अंदर बिकॉज ऑफ अब सबके पास गिल्स होते हैं क्या सबके पास गिल गिल्स होते हैं हाँ, ब्लो होल्स भी होते हैं लेकिन सबके पास नहीं हो सकते ना अब होता क्या है देखो जो फीचर्स या जो हैबिट्स हमें पानी में रहने में हेल्प करती हैं उनको हम क्या बोलते हैं अडेप्टशन ठीक है जो फीचर्स की वजह से हम उस सराउंडिंग में रह पाए है ना जैसे फिश की क्या है गिल्स होती है ठीक है तो वो ब्रीद करती है जो जिन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी शेप स्ट्रीम नहीं होती ना कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सी के बिल्कुल नीचे होते हैं सी बेड पे बिल्कुल लास्ट है ना है ना तो वो क्या करते हैं वो वहां पे सी का जो सरफेस होता है उसके साथ स्टिक करके रहते हैं वहीं पे सरफेस पे रहते हैं और अगर कोई उनको अपने आसपास ऐसा ऑर्गेनिज्म दिखाई देता है जिसको वो अपना शिकार बना सकते हैं उसको खा सकते हैं तो वो उसको खा जाते हैं समझ रहे हो हाँ देर इज डार्क बट वो उनका अडेप्टशन वैसा है, है ना उन्होंने उस चीज को अडेप्ट कर लिया है समझ में आया अब अब जब अर्थ बनी थी या जब यूनिवर्स बना था आप लोगों ने देखा होगा कि पहले जो है ह्यूमन बींग्स नहीं होते थे पहले मंकी होते थे मंकी से धीरे 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 करके ह्यूमन बींग्स बने हम है ना है ना ऐसा ही हुआ ना हम धीरे धीरे करके हमने अडेप्ट किया या हमारे अंदर चेंजेस आए या फिर पहले क्या होता था पहले डायनासोर्स होते थे है ना अब तो नहीं होते क्यों नहीं होते अब डायनासोर्स हाय नंदिता हाँ यू सब मर गए मर गए ठीक है कैसे मर गए हाय नंदिता वेलकम टू द क्लास एम ऑल्सो गुड चलो अब पहले क्या होता था ना पहले बहुत सारे जंगल होते थे अब जैसे बिल्डिंग होती है मॉल्स होते हैं या पक्की सड़कें हैं पहले कुछ नहीं होता था जिस सिर्फ जंगल ही जंगल ह्यूमन बींग्स भी नहीं होते थे तो क्या होता था कि उस सराउंडिंग्स में या उस एटमॉस्फियर में वो अडेप्ट कर चुके थे है ना अब अगर हम अब यहां देखो इट टेक्स थाउजेंड्स और हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स मतलब अगर हमें किसी भी सराउंडिंग को अडेप्ट करना है तो एक दिन में नहीं होगा होगा है ना अब अगर हम अपना पुराना स्कूल छोड़ के अपने नए स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो हमें फ्रेंड्स की याद तो आती है ना हमारे पुराने फ्रेंड्स की एक दिन में तो नहीं अडेप्ट कर पाते हम हमें टाइम लगता है है ना हाय श्रीनिवास ठीक है तो हम एक दिन में कोई अडेप्टेशन नहीं होता अडेप्टेशन होने में हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं क्यों ऐसा क्यों होता है क्योंकि हमारे सराउंडिंग्स जो है वो चेंज होती रहती है अब पहले जंगल होते थे बिल्कुल जंगल तो एनिमल्स ज्यादा होते थे पहले के टाइम में डाकू होते थे है ना अब क्या है अब कुछ नहीं होता पक्की सड़के होती हैं प्लेन्स हैं ट्रेन्स हैं सब कुछ अब कितना एडवांस हो गया सब कुछ तो वो क्या है एनवायरमेंट या सराउंडिंग में चेंज आया है हमारे है ना तो अब हम उस चीज को अडेप्ट कर चुके हैं रिथानिया बताओ क्या डाउट है वो हम पढ़ेंगे अभी अभी हमने वो पढ़ा नहीं अभी पढ़ना है ठीक है, दिस इज बिकॉज बायोटिक फैक्टर्स कैन चेंज ओवर टाइम बायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं ये मैं तुमको बताऊंगी जो आस पास की हमारी सराउंडिंग्स है वो चेंज होती रहती है ठीक है जिसकी वजह से एक दिन में अडेप्टेशन नहीं होता अडेप्टन को होने में बहुत टाइम लगता है बहुत साल लगते हैं वेरी गुड संजू ठीक है जो ऑर्गेनिजम्स उस सराउंडिंग को अडेप्ट कर लेते हैं वो जिंदा बच जाते हैं जो उस सराउंडिंग को अडेप्ट नहीं कर पाते वो मर जाते हैं ठीक है द ऑर्गेनिजम्स विच अडेप्ट टू चेंजेस दे सर्वाइव बाई द अदर्स दैट आर नॉट एबल टू अडेप्ट दे हां अब चोर होते हैं यस yes, नंदिता बताओ क्या डाउट है रजनी आई एम नॉट इग्नोरिंग एनी वन माई नेक्स्ट क्लास इज टूमो वन पी एम स्पेशल क्लास एंड थ्री पी एम यूट्यूब क्लास रजनी आई एम नॉट इग्नोरिंग यू चलो अब अडेप्टेशन और हैबिटेट तो हमें समझ आ गया क्या होता है The organisms depend for their food, water, shelter, and other needs on habitat. There are different types of animals that share the same habitat. अब होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हैबिटेट को शेयर करते हैं जैसे कि एक लॉइन भी जंगल में रहता है एक डियर भी जंगल में रहता है एलिफेंट भी जंगल में रहता है तो वो सेम हैबिटेट को शेयर कर रहे हैं है ना अडेप्टशन होता है कि जिसको जिस, जिस जगह पे हम रहते हैं हमें उस जो फीचर्स जो हैबिट्स हमें उस जगह पे सरवाइव करने में हेल्प करती हैं उसको हम अडेप्टशन बोलते हैं अडेप्टेसन मतलब आदत डालना आदत हो जाना यूज़ टू हो जाना कि हम यहाँ पे सरवाइव कर लेंगे ठीक है अब अगर हमें बोला जाए कि आप लोग बिल्कुल एक ऐसी जगह पे चले जाओ जहां पे वॉलकैनोज इरप्ट होते हैं क्या हम अडेप्ट कर पाएंगे वहां पे नहीं कर पाएंगे ओके अडेप्टेशन मींस अ प्लेस वेयर वी आर यूज टू लिव राइट फॉर एग्जांपल नंदिता इफ वी आर आज टू लिव ऑन अ प्लेस वेयर देयर इज इरप्शन ऑफ वालकैनोज राइट So, will we be able to survive? Will we be able to adapt that surroundings? No. We will die there because we are not used to, right? We are used to live in flats or in houses. Clear? Types of habitats terrestrial habitat. राइट right? the plants and animals that live on land or in plain area, जो लैंड्स पे रहते हैं या जो प्लेन एरियाज़ में रहते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट बोलते हैं मतलब जो हैबिटेट लैंड वाला होता है या जो डेजर्ट एरिया वाला होता है वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होता है मतलब जैसे कि फॉरेस्ट डेजर्ट हाय भूमिका मेंटी विल बी देर विद इन टेन मिनिट्स अप्रोक्सीमेटली टेन टू फिफ्टीन मिनट्स उसके बाद है हैबिटेट हैबिटेट द ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर एक्वेटिक किसका होता है वाटर वाले एनिमल्स का या प्लांट्स का फॉर एग्जाम्पल पॉन्ड्स रिवर्स ओशंस सीज एटसेट्रा ठीक है अब फॉर एग्जाम्पल यहां पे जंगल जो है अगर एक हैबिटेट है हैबिटेट यहाँ पे अलग होगा अगर कोई और कंट्री है वहाँ पे किसी और जगह का किसी और तरह के हैबिटेट्स होंगे ठीक है मतलब यहाँ पे जो टाइप ऑफ ट्रीज और जो टाइप ऑफ फॉरेस्ट मिलेंगे इंडिया में किसी और कंट्री में किसी और तरह के फॉरेस्ट मिलेंगे है ना अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएशन वेरिएशन होती है है हैबिटेट्स में भी ठीक है तो जो लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स ठीक है एक हैबिटेट में जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनको हम बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स एक हैबिटेट में जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं सच एज रॉक्स सॉइल मेटल्स उनको हम अबायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं बायोटिक मतलब नॉन लिविंग कंपोनेंट्स बायोटिक मतलब लिविंग कंपोनेंट्स, ठीक है ये नंदिता वेरी ट्रू चलो अब जो अबायोटिक या जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि एयर वाटर या फिर लाइट ये क्या होते हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे सर्वाइवल के लिए ठीक है फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से फोटोसिंथेसिस में क्या चाहिए होता है सनलाइट और क्या चाहिए होता है वाटर है ना है तो वो अबायोटिक कंपोनेंट लेकिन उसके बिना प्लांट्स सर्वाइव नहीं कर सकते सिमिलरली ह्यूमन बींग्स वो भी वाटर के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते तो अब बायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे सर्वाइवल के लिए यस संजू यू आर करेक्ट हाय आस्था चलो अब पढ़ते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स कौन से होते हैं डेजर्ट ठीक है हमें पता है डेजर्ट्स क्या होते हैं ड्राई होते हैं ठीक है अब एक जगह है जो ड्राई है जहाँ पे सिर्फ मिट्टी मिट्टी है वहां पे पानी नहीं है कुछ भी नहीं है हम वहाँ कैसे सरवाइव करेंगे हमने क्या पढ़ा अब तक हमें हमने कैमल का पढ़ लिया कैमल का पढ़ाया मैंने तुम्हें पहले ठीक है कि कैमल की बड़ी लेग्स होती हैं वो पानी स्टोर करके रखता है वो काफी दिन तक बिना पानी के रह सकता है राइट लेकिन बाकी ऑर्गेनिजम्स का क्या हाय कीर्तना वो कैसे सरवाइव करेंगे बाकी के ऑर्गेनिजम्स जो है वो कैसे सरवाइव करेंगे डेजर्ट में बोलो चलो अब जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके पास तो घर होते हैं ह्यूमन बींग्स तो सर्वाइव कर ही लेंगे है ना लेकिन लेकिन जो बाकी के ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि माउस हो गया या स्नेक हो गया ये कैसे सर्वाइव करते हैं जब डे टाइम होता है दिन में डेजर्ट जो है बहुत ज़्यादा गर्म होता है बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा ठीक है तो वो क्या करते हैं वेन डेजर्ट इज़ वेरी हॉट ड्यूरिंग डे टाइम द ऑर्गेनिजम्स लाइक स्नेक रैट्स वट दे डू इज़ दे स्टे इन डीप ब्यूरोज इन साइड द सैंड उन्होंने ना अपने अपने घर बनाए होते हैं मिट्टी के नीचे जिनको हम छोटे छोटे बिल या होल्स होते हैं ठीक है उनके अंदर वो चले जाते हैं क्युं? क्यों क्योंकि वहां पे उन्हें ठंडक मिलती है वहां पे उन्हें गर्मी नहीं लगती हाँ ममता मेन्टी होगा थोड़ी देर में होगा इन डे टाइम वो अपने ब्यूरोज में चले जाते हैं और इन नाइट टाइम दे कम आउट क्योंकि नाइट टाइम में क्या होता है जो डेजर्ट होता है बिल्कुल ठंडा हो जाता है तब उसमें गर्मी नहीं रहती है तो दे कम आउट एंड दे सरवाइव ठीक है बोलो आस्था क्या डाउट है हाँ जी सही बोला डेजर्ट एक ऐसी जगह एक ऐसा प्लेस जहाँ पर ज़्यादा क्या होता है सैंड होती है मिट्टी मिट्टी होती है ठीक है गर्म होता है बहुत ज़्यादा हॉट होता है ठीक है वहाँ सरवाइव करना मुश्किल होता है यस रतन देर विल बी मेंटी अब ये तो हो गई एनिमल्स की बात अब प्लांट्स क्या करते हैं जो डेजर्ट में प्लांट्स होते हैं वो भी तो सरवाइव करते ही होंगे वो क्या करते हैं अब कैक्टस है कैक्टस तो सबने देखा होगा कैक्टस प्लांट ज्यादातर हमें डेजर्ट में मिलता है क्यों क्यों और उसके कांटे भी होते हैं है ना हम उसको टच नहीं करते हैं कि हमें लग जाएगी है ना? तो द लीव्स इन डेजर्ट प्लांट्स आर ईदर वेरी स्मॉल और हैव स्पाइन्स जो प्लांट्स होते हैं डेजर्ट में या तो उनकी लीव्स होती नहीं है या बहुत छोटी होती है या फिर उनके कांटे होते हैं जैसे यहां द लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपीरेशन अब हमने पढ़ा था कि ट्रांसपीरेशन से एक्सेस वाटर जो है वो लॉस लूज हो जाता है ट्रीज में है ना तो क्योंकि इनके पास लीव्स ही नहीं है या स्पाइन हैं कांटे हैं तो ये पानी को आ, पानी का नुकसान होने या पानी का लॉस होने देते ही नहीं है क्यों क्योंकि क्यों, क्यों, उनको पता है कि डेजर्ट में पानी ही नहीं है अगर पानी का लॉस करेंगे तो हम वो तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे है ना सो द प्लांट्स लूज वेरी लेस वाटर एंड कैन लिव विदाउट वाटर फॉर सम डेज ठीक है अब संजू मैं आपकी डाउट भी बाद में सॉल्व करती हूँ पहले हम ये थोड़ा सा पढ़ लें फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस थ्रू स्टेम्स एंड दे हैव डीप रूट्स ऐसे जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं इनमें जो फोटोसिंथेसिस होती है वो स्टेम के थ्रू होती है और इनकी जो रूट्स होती है वो बहुत ज्यादा डीप होती है हाँ सारे के सारे कैक्टस के जैसे नहीं होते हैं श्रीनिवास जैसा मैंने बताया कि या तो उनके छोटे छोटे लीव्स होंगे या लीव्स की जगह उनके स्पाइंस होंगे ठीक है चलो अब माउंटेन रीजन्स माउंटेन्स भी क्या है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का ही पार्ट है ठीक है दीज हैबिटेट्स आर कोल्ड एंड विंडी अब हमें पता है जो पहाड़ी हिल स्टेशन होते हैं वो ठंडे होते हैं कोल्ड एंड विंडी ठंडी ठंडी हवा चलती है वहाँ पर कई बार स्नोफॉल भी होता है द एनिमल्स लिविंग इन दीज रीजन्व थिक स्किन और फर जो यहाँ पे एनिमल्स रहते हैं उनकी जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा मोटी होती है या उनके ऊपर फर होता है क्यों ताकि उनको ठंड ना लगे फॉर एग्जाम्पल याक या स्नो लेपर्ड ठीक है अब ये हो गई एनिमल्स की बात अब जो प्लांट्स हैं वो कैसे सर्वाइव करते हैं द प्लांट्स इन दीज रीजन जो माउंटेन रीजन में प्लांट्स होते हैं उनका क्या होता है उनके ना कोन शेप्ड लीव्स होते हैं पाइन ट्री देखा है किसी ने पाइन किसी ने पाइन ट्री देखा है यस yes. हां क्रिसमस ट्री जैसा होता है क्रिसमस ट्री देखा है शुभी टीवी में देखा होगा कार्टून में देखा होगा कभी तो देखा होगा हाँ तो वो ट्री क्या होता है वो क्या होता है ऐसे कौन शेप में होता है या उसके जो लीव्स हैं वो इस तरह के होते हैं है ना इस तरह के क्यों होते हैं उनकी जो ब्रांचेस होती है वो स्लोपिंग ब्रांचेस होती है मतलब स्लोप बन रही होती है क्यों ताकि अगर उनके ऊपर स्नो गिर जाए या रेन वाटर गिर जाए तो वो आराम से फटाफट नीचे गिरे सीधा ठीक है अब देखो ये जो स्लोप होगी ऐसा स्ट्रक्चर होगा तो अगर यहां पे कुछ जाएगा तो सीधा नीचे ही तो जाएगा ठीक है तो जो प्लांट्स होते हैं उनके लीव्स जो है कोन शेप्ड होते हैं और इनके नीडल लाइक स्ट्रक्चर होती है ताकि अगर रेन वाटर या स्नो पड़े उनके ऊपर तो वो इजीली स्लाइड ऑफ हो जाए अब हाँ दिल्ली है या फिर हरियाणा है ये सारे क्या है प्लेन एरियाज हैं क्या आपको पाइन ट्री कभी भी प्लेन एरियाज में लगे हुए दिखे हैं ऐसे प्लांट्स जो है हमेशा माउंटेन रीजन्स में ही होते हैं वो इसीलिए होते हैं क्योंकि स्लो या फिर रेन वाटर जो है स्लाइड ऑफ इजीली हो जाता है ठीक है बाकी देखते हैं यॉक हैज लॉन्ग हेयर टू कीप देम वॉम ठीक है लेपर्ड क्या होता है लेपर्ड हैज थिक फर ऑन इट्स बॉडी जिससे कि वो अपने आप को स्नो से बचाता है और अच्छे से चल भी पाता है स्नो के अंदर माउंटेन गोट जो होती है इट हैज स्ट्रॉन्ग हूव्स टू रन अप द रॉकी स्लोप ऑफ माउंटेन इसके जो पैर होते हैं या जो हूव होते हैं माउंटेन गोट के वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं क्युं? क्यों क्योंकि अगर इनको पहाड़ के ऊपर चढ़ना भी पड़ जाए या भागना भी पड़ जाए तो ईजिली ये चढ़ जाए पहाड़ पे ठीक है अब है ग्रासलैंड ग्रासलैंड इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ टेरिस्ट्रियल हैबिटेट ठीक है द दर्गेनिजम सच एज लॉन्स एंड डियर लिव इन फॉरेस्ट और ठीक है lions कैसे survive करते दे हैव लॉन्ग क्लॉज उनका पंजे जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं लंबे होते हैं नाखून इन फ्रंट ऑफ देयर लेग्स ठीक है दैट कैन बी विथ ड्रॉन इन साइड टोज अब इसकी जो आईज होती है यहां पे देखो ब्राउन कलर की होती है या इसकी जो स्किन होती है ब्राउन कलर की होती है क्यों होती है ताकि ये ग्रासलैंड्स के साथ मैच कर जाए और ये ग्रास के पीछे छुप सके ठीक है या फिर ट्रीज के पीछे छुप सके झाड़ियों के पीछे छुप जाए और अपने शिकार को ढूंढ सके ठीक है प्रे प्रे का मतलब शिकार पी आर ए वाई मतलब प्रार्थना प्रे करना एंड पी आर ई वाई मतलब शिकार जो उसका खाना होगा जिसको वो मार के खाएगा श्रीनिवास उसके दोबारा लीव्स तो नहीं आएंगे वो जैसे ग्रो कर रहा है वो वैसे ही ग्रो करेगा स्पाइंस के थ्रू उसको वो अपने स्पाइंस में वाटर जो है स्टोर करके रखेगा ठीक है लॉस ऑफ वाटर उसमें बहुत कम होगा या बिल्कुल नहीं होगा ताकि वो काफी दिनों तक बिना पानी के भी रह सके सेम ठीक है तो ऐसे लॉइन सर्वाइव करता है उसके बाद जो डियर होता है डियर के जो टीथ होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं ताकि वो प्लांट के पार्ट्स को खा सके। लॉन्ग ईयर्स दैट हेल्प्स देम टू हियर द मूवमेंट ऑफ प्रिडेटर्स प्रिडेटर्स मतलब शिकारी ठीक है इसके जो ईयर्स होते हैं ना बहुत बड़े बड़े होते हैं ताकि इसको अगर कोई शिकारी आ रहा है या कोई इसको मारने आ रहा है इसको फटाफट से सुन सके और ये जल्दी से इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है भागने की तो ये भाग जाता है फटाफट से ठीक है एक्वेटिक हैबिटेट्स इसके बाद बेंटी होगा ठीक है एक्वेटिक हैबिटेट्स टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स हो गया एक्वेटिक हैबिटेट्स ओशंस अब हमने पढ़ा था फिश की बॉडी शेप के बारे में स्ट्रीम जो होती है है ना तो फिश पानी के अंदर बहुत इजीली रह सकती है ठीक है दे ब्रीथ थ्रू देयर नॉस्ट्रिल्स और ब्लो होल्स ठीक है अब ये तो हो गया जो डॉल्फिन होती है या जो वेल होती है उनके पास गिल्स नहीं होते वो कैसे सरवाइव करती है कैसे ब्रीद करती है नोस्ट्रिल्स या ब्लो होल से यही रीज़न है कि जो डॉल्फिन है या जो वेल है वो सरफेस के ऊपर भी आ जाती है पानी के ऐसा नहीं है कि उसको पानी के अंदर ही रहना है वो ऊपर भी आ जाती है और वो बिना पानी के भी रह सकती है थोड़ी देर तक ठीक है दे कैन स्टेन वॉटर फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीथिंग एंड कम आउट फ्रॉम टाइम टू टाइम यह हम सब ने देखा हुआ नॉट है बताया जिन ऑर्गेनिजम्स की बॉडीशेप स्टीबलाइन नहीं होती वो सी बेड पे या सी के सरफेस पे रहते हैं ठीक है हा मुझे कोल्ड हो रहा है अब है पॉन्ड्स एंड लेक्स लेक्सिया इसके बाद मेंटी है बस हम ये टॉपिक खत्म कर दें फिर मेंटी करेंगे द प्लांट्स एट द बैंक ऑफ पॉन्ड्स और लेक्स द सॉयल अब कुछ प्लांट्स होते हैं जो पानी के अंदर होते हैं कुछ प्लांट्स होते हैं जो किनारे पे होते हैं ठीक है बैंक पे होते हैं जो बैंक पे हो गए उनकी रूट्स जो है वो फिक्स्ड इन द सॉयल इंटेड्रियल प्लांट्स रूट्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स एंड वॉटर फ्रॉम द सॉयल तो जो बैंक पे होंगे प्लांट्स उनको न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेंगे सॉयल से और वॉटर कहाँ से मिलेगा सॉयल से चलो बस एक लास्ट रह गया है उसके बाद में इक्वेटिक प्लांट्स दैट आर कम्प्लीटली सबर्स्ड इन वाटर कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल पानी के अंदर होते हैं बॉटम सरफेस पर है ना इन प्लांट्स की रूट्स क्या होती हैं स्मॉल इन साइज और ये क्या करती हैं हेल्प इन होल्डिंग द प्लांट इन प्लेस इनकी रूट्स छोटी क्यों होती हैं क्योंकि ताकि प्लांट अपनी जगह पर रह सके होल्ड कर सके ये उसको देर स्टेम्स आर लॉन्ग हॉलो एंड लाइट the stems grow up to the surface of water while the leaves and flowers float on the surface of water जो stem होती है वो पानी के surface के अंदर ही रहते हैं बाकी जो leaves या flowers जो होते हैं वो पानी के ऊपर float करते हैं ठीक है Some plants have narrow and thin ribbon-like leaves and bend in the flowing water. कुछ प्लांट्स की नैरो और रिबल लाइक लीव्स होती है और वो बेंड हो जाते हैं पानी में इन सम प्लांट्स लीव्स आर हाईली डिवाइडेड सो दैट वाटर कैन फ्लो ईजीली मतलब अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं या अलग अलग शेप होती है ताकि पानी में सर्वाइव कर सके बस ये लास्ट है इसके बाद है फ्रॉग्स दे कैन लिव बोथ इन वॉटर एंड ऑन लैंड यह हमने देखा हुआ है फ्रॉग जो होता है पानी के अंदर भी रह सकता है और पानी इन लैंड पे भी रह सकता है क्यों दे है स्ट्रोंग लेग दैट हेल्प इन कैचिंग स्प्रे उनकी लेग्स जो है वो स्ट्रोंग होती हैं जिससे वो अपने शिकार को पकड़ते हैं दे हैवेब फीट देट हेल्प देम स्विम इन वाटर उनके जो फीट होते हैं उनको हेल्प करते हैं पानी के अंदर स्विम करने में ठीक है हमने पढ़ा आज जो सराउंडिंग्स है हमारे आसपास जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं या जो हैबिटेट्स हैं हमने वो पढ़ा है अभी तक टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स कौन कौन सी होती है वो पढ़ा है Join it two four four five eight three two. स्टार्ट करें चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन एनिमल्स एंड प्लांट्स हैव सर्टेन फीचर्स विच मेक दैम टू सरवाइव इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट। इट इज नोन एज अडेप्टन इवॉल्यूशन स्पेशलाइजेशन वेरी इजी। वेरी गुड हां वेरी इजी आगे देखते हैं ठीक है चलो विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एनिमल फाउंड इन माउंटेन रीजन लेपर्ड या बोथ ये भी इजी था हाँ लेकिन गलत हो गया दोनों ही माउंटेन रीजन में मिल जाते हैं अभी तो पढ़ाया था आसिया इसमें लेट हो सकते हो आप लेकिन गलत नहीं होना है ठीक है लीडरबोर्ड देखते हैं दिव्याश्री लेपर्ड भी माउंटेन रीजन में मिलता है और ममता मिसक्लिक नहीं करना क्योंकि उससे आपके स्कोर्स ही कम होंगे चलो करें नेक्स्ट चलो च इज नॉट एन अबायोटिक कॉम्पोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट सॉइल बैक्टीरिया एयर कौन सा अबायोटिक कॉम्पोनेंट नहीं है गलत कर दिया अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग थिंग ठीक है बैक्टीरिया इज अ लिविंग थिंग तो अबायटिक कंपोनेंट नहीं हो सकता चलो लीडरबोर्ड देखते हैं रतन बार बार मिस क्लिक मत करो वरना मार्क्स कट जाएंगे चलो वॉट इज एन एक्वेटिक अडेप्टेशन स्ट्रीमलाइंड बॉडी गिल्स या हेयर ऑन बॉडी स्टीमलाइंट बॉडी गिल्स जो है वो ऑर्गन्स होते हैं जिनसे ब्रीथ करती है फिश गिल्स सबके नहीं होते हैं स्ट्रीम बॉडी शेप ऑलमोस्ट सब एक्वेटिक एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स की होती है ठीक है ऑक्टोबर्स का श्रीनिवास मैंने बताया था कि वो सी बेड पे रहता है बिल्कुल सरफेस पे और अगर कोई उसको शिकार वहां पे आसपास अपने कोई ऑर्गेनिज्म दिखता है तो वो उसी से उसको ही खा लेता है या फिर जब उसको मूव करना होता है तो वो सी बेड पे रहता है ठीक है चलो वॉट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डेजर्ट प्लांट स्पाइन्स डीप रूट्स या बोथ डेजर्ट प्लांट्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वेरी गुड सबका सही हो गया श्रीनिवास इक्वल टू इज अ मिस्टेक थर्ड ऑप्शन सिर्फ बोथ है इक्वल टू मिस्टेक्स गलती से लिखा हुआ है वहां पे ठीक है तो वो कुछ नहीं है श्रीनिवास फास्टेस्ट है और सबसे ऊपर भी श्रीनिधि आसिया कीर्तना शुभी विदेश्वर अंशिका संजय करण आस्था ठीक है, चले आगे अब सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज का रेस्पिरेशन एक्वेटिक एनिमल्स अकर्स बाय लंग्स गिल्स या नॉस्ट्रिल्स क्वेटिक एनिमल्स में जो रेस्पिरेशन होती है या जो सांस ले लेते हैं वो वो किस प्रोसेस से ले वेरी गुड बहुत ही आसान सवाल था ये है ना चलो हीड़े होट देखते हैं हाँ ईजी इजियर इजिएस्ट चलो लास्ट क्वेश्चन आज का विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट क्योंकि करण आप हर रोज आते हो ना पहले ये क्वेश्चन करो फिर बताऊंगी कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है पांच लोगों का गलत है दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स और बहुत सारे एनिमल्स जो है सेम हैबिटेट शेयर करते हैं लॉइन भी जंगल में रहता है एलिफेंट भी रहता है मंकी भी रहता है तो सेम हैबिटेट वो शेयर कर रहे हैं ठीक है ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर अडेप्टेड टू हैबिटेट जिस भी हैबिटेट में हम रहते हैं हम हमें उसकी आदत हो जाती है वी आर अडेप्टेड ठीक है तो बोथ इज बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बताओ संजू क्या डाउट है करण क्योंकि आप हर रोज आते हो इसलिए मुझे पता चल गया कि आपका आप किस सिंबल से आ रहे हो ठीक है कि ये आपका ही नाम है चलो लीडर बोर्ड और विनर देख लेते हैं आज का देख ले कोई बात नहीं आज था आज गलत हो तो गया कल फिर से मैंटी करेंगे कल आप सही कर लेना है ना चलो श्रीनिवास आज विदर है वेरी गुड सब लोगों ने बहुत अच्छा किया कंग्रेचुलेश श्रीनिवास वेरी वेल डन सारे एनिमल्स संजू सारे एनिमल्स अपना हैबिटेट शेयर नहीं करते कुछ एनिमल्स जो है हैबिटेट शेयर करते हैं जैसे कि लॉइन जो है वो भी जंगल में रहता है या ग्रासलैंड में रहता है ठीक है और जो एलिफेंट है वो भी वहीं रह रहता है डेयर भी वहाँ होते हैं मंकी भी है वहाँ पे चीता भी है तो देर इज़ अ वाइटी ऑफ एनिमल्स है ना तो वो सेम हैबिटेट एक ही जगह पे रह रहे हैं सेम हैबिटेट को वो शेयर कर रहे हैं कल हम इस चैप्टर का बचा हुआ पार्ट करेंगे आसिया ठीक है आप लोग मुझे मिल सकते हो स्पेशल क्लास में जहां पे हम कल एक जनरल क्विज करने वाले हैं पोल करने वाले हैं जनरल क्विज तो आप लोग वन ओ क्लॉक मुझे स्पेशल क्लास में ज्वाइन कर सकते हो ठीक है और थ्री ओ क्लॉक हम यहां पर यूट्यूब सेशन में इस चैप्टर का बचा हुआ पार्ट करेंगे और मेंटी क्विज़ करेंगे तो वन ओ स्पेशल क्लास थ्री ओ क्लॉक यूट्यूब सेशन ठीक है ओके कोई बात नहीं संजय तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो हिट द बेल आइकन, यूट्यूब कमेंट्स करो और सब्सक्रिप्शन प्लान्स लेते हुए आप लोग मेरा कोड यूज करो जो कि आंचल टेन है टेन परसेंट तक के डिस्काउंट के लिए और भरपूर फायदा लो सब्सक्रिप्शन प्लान का अच्छे से तैयारी करो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो लेटेस्ट अपडेट्स और लेटेस्ट वीडियोस के लिए ओके आस्था सी यू ऑल टुमारो कल मिलते हैं हम लोग एक बजे स्पेशल क्लास और थ्री ओ क्लॉक यूट्यूब बाय बाय टेक केयर बाय करण बाय आस्था बाय संजय ओके बाय कीर्तना